ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 25 ਲੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਭਾਅ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਸਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। जिस दिन मैंने उन्होंने लैन जाना से उस दिन इन्होंने मेरे सौरा साहब न मतलब कि उन्होंने फ्लाइट से उन्होंने चढ़ा दिता मेरे मगरों, मैंने उन्होंने मिलने का मौका तक नहीं दिता। तो इतने सारे माहौल में इन्होंने यह किया कि कुड़ी उतो भज गई। सिर्फ 22 साल की मेरी उम्र है, मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी इन्होंने। मेरा बहुत ज्यादा धक्का होया। छोटा जहा मेरा ब्रदर और मेरे पापा की डेथ हुई, सिर्फ 7 मंथ हुए जी। करजा चुक के असी रिश्तेदारों को पैसे मंग मंग के इन्हें डिमांडा पूरे किए। मैं कहना भज के विह करा लावा लिया, मैंने 4 दिन रखा तो मैंने बाद में मैंने लैन नहीं कि जिंदगी मेरी बर्बाद करके सुटती इन्होंने। भाई मेरा 2021 12 अप्रैल विह हो अज तुहाडे जिहड़े मिसेज आ उह तुहाडे घर दे बाहर बैठे आ, उह कह रहे आ कि तुसीं उहनां नूं जदों मैरिज करवाई उस तों बाद तुसीं लै के नहीं आए, उह घर बणन वास्ते कह रहे आ तुसीं मार दे रहे की चक्कर की आ। भाई जी मेरा विआह 12 अप्रैल नूं होया सी, लॉकडाउन 'च मैं विआह आ, ठीक है जी। इह साडा रिश्ते 'च रिश्ता साडा होया, मेरी सारी फैमिली कनेडा 'च, इकल्ला मैं इत्थे इंडिया 'च रहिंदा। असीं विआह दे पहिलां सारे कोल दस्सिया सी कि साडे कोल किल्ला जमीन आ, मैं आप ही नानके घर 'च रहिंदा, साडे दादके खैरा माझा उत्थे मेरे दादके, ये मेरे नानक का घर है, नानक जमीन आते किला जमीन आ, वो मैं खेतीबाड़ी करते कमाई रखी हुई है, तो मेरी BSc है, तो मैं तो उम्र से 10 साल व्डा। ये सारी गल दसती सी कि मैं सारी फैमिली बाहर आ, कला मैं ही थी इंडिया चा। चलो जी इन्होंने फिर रिश्ता करता से, इन्होंने आज मर्जी ने सारी सच्चाई सुन के, जो रिश्ता हो गया, कुड़ी साढ़े घर आ गई 12 तरीक न, तो मैंने पहली रात कहती तो कल तेन बाहर क्यों नहीं लै गए। तो मैं कहता मैं तेन पहले दस कि मेरे घर के सारे पक्के, कला मेरा नहीं बनया, तो मैं इतने खेतीबाड़ी करता। फिर बाद कहते अगले दिन मैंने कहते कपड़े पाने नहीं आते, तू उत्थे थला के बोलता वा। चलो मैं कल घरदे नूं नहीं दसी, तो मैं चलो इन्हें आपकी जिंदगी स्पेंड करनी शुरू करती। 16 नूं इहदे घर दे आए, इहनूं हसदी खेडदी लै गए, चलो ठीक है जी। बाद 21 नूं इहनें पुलिस भेजती, तो पुलिस भेजती, तो वह कहते तुसीं आई कुड़ी नूं नूं कुट पाए घरों कढ़िया वा, तो दाज दहेज की मंग करते पे आ। असी कहे कुछ तो हसदी खेडती करोगे, जे दाज मतलब विआह तो पहले ही मंग सकते सी, अभी विआह तो इन्होंने तो 1 रुपया नहीं लिया विआह तो पहला, जे इन्होंने तो कुछ लिया तो दस दे ना, इतों तक वरी भी नहीं ली इन्हों तो नहीं ली। भाई पुलिस स्टेशन ने कपूरथले NI दफ्तर की कंप्लेट की थी, उत्थे चल गए असी पुलिस नूं आज सबूत होने की कोशिश की, साड़ी पुलिस ने एक नहीं सुनी, वो कहते सबूत साइड ते रख, तो इन्हें आज रिश्तेदार नाल ते पुलिस नाल रल के साढ़े दबाव बनाया। मेरी मम्मी नूं हार्ट की प्रॉब्लम तो शुगर, मेरी मम्मी 2001 तो हार्ट की दवाई खा रहे, उन्हें दिल कमजोर होया पाया वा, इन्हें इन्ना था दबाव पाया बहुत ज़्यादा, मम्मी दर्द होने लग गई। फिर मेरी मम्मी इन्नी ज़्यादा हो के महसूस होया, फिर मम्मी मेरे सैन करते धक्के ना इन्ना करा रहे मम्मी तो, फिर साढ़े किस चीज़ के सैन किए 25 लाख दे जी, सानू तुसीं 25 लाख दिओ ते तां इह तां छड्डना नहीं, तुहाडे सारे परिवार नूं असीं बाहर नहीं जाण देना। जिदा तुसीं दस रहे सीगे कि 4 दिन सिर्फ 4 दिन मतलब कि कुड़ी इत्थे रही आ, वजह की होगी कि मतलब कि तुहाडे कहिण दा कुड़ी गलत है, भाई देखो साडे वल्लों कोई गलती नहीं हुई, जे असी कोई गलत कुड़ी ना किते ओह साबित कर दे, ठीक है जी। ये इन्हां दी इक प्लैनिंग सी रिश्तेदारां नाल रल के, जो साडे क्योंकि साडी फैमिली सारी बाहर गई आ, इन्हां पासा परिवार बाहर गया वा, तो जे अभी इन्हां इंदा केस ना पाता गे तो इन्हां नूं मजबूरी च पैसे देने पैने आ। फिर देखो जी इन्हें साडे तों 25 लाख की डिमांड की, असी इन्हां तों की लिया ये साबित कर दे। भाई जी ये इन्होंने आपदे ना एक सज्जन मित्र आ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾਓ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਾਨੂੰ ਮੰਮੀ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਰਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ,
ठीक है जी। मम्मी की हार्ट की प्रॉब्लम हो का दर्द दर्द होगी जिसका मम्मी सहन करते, जो सहन करते चलो ये कुड़ी चल गई हवे हाथ की खेती चंकी पूरी घर देना चल गई। फिर एक बार नहीं इन्हें कहा, फिर साढ़े मतलब इन्हें सू सारे घर सारे टेंशन पै गई। मेरे डैडी बजुर्ग वा वो भी ठीक नहीं रहेंगे, वो कभी काम जाते कद नहीं जाते, साढ़े तो इन्ना पैसा नहीं है कि इस कुड़ी तो 25 लाख दे सकी है, क्योंकि मैं किला खेती उत्तर मैं खेतीबाड़ी कदम एक माझी रखी आ, तो मेरा डैडी बजुर्ग आ, मम्मी मैं वो नहीं काम करते, उन्होंने हार्ट की प्रॉब्लम आ, तो साढ़ा घर सा डिप्रेशन चल गया। फिर तो बाद कोर्ट वाल मूँह किया कि सू पुलिस तो कोई इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं सी। फिर पुलिस ने सू ना इंसाफ हो देने कारण असी कोर्ट च गए, कोर्ट ने सू तारीख दी 15/7/2021 जितने साड़ी सुनवाई होनी आ। उस तो बाद जो इन्हें साढ़े कपूरथले NI दफ्तर साड़ी कंप्लेट की सी, उत्थे ना उन्होंने कहता कि कंप्लेट की दरखास्त खारिज करती। फिर तो बाद इन्हें साढ़े जलंधर करती वही NI दफ्तर उत्थे, वो साड़ी कंप्लेट पेंडिंग रखी हुई उत्थे जाना, तो इन्हें उस तो पहले साढ़े घर अज जो तुहाडे सामने आ कि बंदे लिया गए आप भी मासियां लिया गए खापा ना किया। नहीं जो कह रही मैं बसाओ बसाओ पसंद ही क्यों नहीं भाजी? देखो जो अह बसाने भी किया, कुछ लेना हों तो अह तो पहले ही मंग सकते, जे एक भी सबूत दे सू इन्हों तो कोई डिमांड रखी आ, कोई ना कोई सबूत इन्हों का होना चाहिए वा, साढ़े को सारी सबूत है, कुड़ी चंकी पली घरों गई कुछ क्या नहीं, जे कोई मंगना तो पहला मंगते लोग देखते हैं अजक जे जो डिमांड पहला रखे सू आ चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं इतों तक वरी नहीं ली इन्हों तो। ये असल इन्होंने भाजी आप रिश्तेदार रल के तो पुलिस ने रल के सानू मतलब NRI होने साडा फायदा चक्कर ली, इन्होंने साढ़े तो झूठा परचा करके साढ़े तो पैसे वसूल की गल की, हम जे अज अं कोर्ट के कोल गए इंसाफ ली तो क्यों साढ़े फिर धक्काशाही करते हैं? कोर्ट जो फैसला करेगी वो सारे मंजूर, कोर्ट गलत हो फैसला कर दी आ, जो अपन पुलिस तो नहीं इंसाफ मिलता ता ही आप कोर्ट जाने भाजी। देखो तो तुहाडे सामने आ, ये फसाउन विआह किया साढ़े इन्ने झूठे परचे कटाई जाती है, हम कितों फसा लाँगे? गांह साढ़े घर के बाहर कोई बाहर आ रही, गांह मम्मी ने कुछ हो जाए, कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, उन्होंने डैथ हो जाए, मेरी डैथ हो जाए, इन्नी टेंशन है, कल कोई बंद कुछ कर दे सारे घर च आ गए तो किधर जावे? नाम है मेरा अमनदीप कौर। पूरा मामला की है जो इतने आए हो? सर मेरी 12 अप्रैल मैरिज हुई सी, इतने 16 अप्रैल मेरे घर के मैंने इतों लैन आए थे, बाद मैनू ये लैन नहीं गए, जिस दिन मैंने इन्होंने लैन जाना से उस दिन इन्होंने मेरे सहुरा साहब न मतलब कि उन्होंने फ्लाइट से उन्होंने चढ़ा दिता मेरे मगरों, मैंने उन्होंने मिलने का मौका तक नहीं दिता, मैनू लैन नहीं गए, तो इतने सारे माहौल में इन्होंने यह किया कि कुड़ी उतों भज गई, मतलब कि मैं इन्नी ज़्यादा बीमार से कि मेरे को उठने की कंडीशन नहीं सी, बट मैं हूँ थक हार के मेरी कितने सुनवाई नहीं हुई, हूँ थक हार के मैं इतने पहुंची हाँ, सिर्फ 22 साल की मेरी उम्र मेरी जिंदगी तबाह करके रखती इन्होंने, मेरा बहुत ज़्यादा धक्का होया, मैं इंसाफ चाहिए, मैं इतने जीना इतने ही मरना, मैं वसन आई इतने, मैंने होर कुछ नहीं, मैं अपने घर खड़ा, मेरा लावं लिया मुंडे ने, मैं भज के भी नहीं कहा, मेरा लावं लिया, मैं इतने जीना इतने ही मरना, मेरा बहुत ज़्यादा धक्का होया, मैं इंसाफ चाहिए। पूरी फैमिली मेरी कैनेडा तो हाँ, सारे सिटीजन आ, पहले इन्होंने मैंने दसिया कि मुंडा भी सिटीजन उतों का, बट मुंडा सिटीजन नहीं निकले, ये मैंने हूँ पता लगा जाके, पहला मैंने ये गल का नहीं पता, इन्होंने दरअसल मैंने झूठ बोलिया कि मुंडा भी सिटीजन आ, बट मुंडा सिटीजन नहीं आ, छोटा जहा मेरा ब्रदर आ, मेरे पापा की डैथ होनी सिर्फ 7 मंथ हो अजे, करजा चुक के असी रिश्तेदारों को पैसे मंग मंग के इन्हों की डिमांडा पूरे किए, डिमांडा तो वध असी इन्हों का किया, पैसे की डिमांड इन्होंने रखी सी, पैसे का विआह किया, डिमांडा सारी इन्होंने पूरी की, 17 इन्होंने मिलनियाँ कीतिया सी, वो भी सारा खर्च किया, पैसे चुक के करजा चुक के ही विआह किया, मेरा छोटा है ब्रदर, दसो मैं कितने जावा, मैंने कोई सुनवाई नहीं मेरी होंगी बई। जिदा तुसी दस रही हो कि 4 दिन बाद तुहानू जो तुसी गए हो करे बाद च लैन नहीं आए, हाँ जी कोई तो वजह रही होगी, ये तो है नहीं कि कोई दस ना मैं मेरी गलती दसन की मेरी गलती की है, 4 दिन में मैं इतना की करता कि मैं लैन नहीं गए, पर गल यह भी है ना कि 4 दिनों के उन्होंने भी बेटा गया सी, हाँ जी कोई तो वजह होगी, तुम की तुहानू की लगता है? सर मैनू भी पता कि उन्होंने भी चा से उन्होंने अपना बेटा गया, अक्सर मैं भी मेरे घरदा ने भी किया, हर एक बहुत चा होंगे, हर एक रीझा होंगे, साढ़े पूरे रिचुअल्स नाल साडी मैरिज हुई आ, बट इन्होंने मैनू कुछ नहीं पता, मेरी गलती दसन मैंने आने के सामने कि तेरी आ गलती इस वजह, जो गलती भी सी तो मेरे घरदान साथ दे, मेरे घर के भी 2-3 बार इन्होंने दरवाजे आए, साड़ी कुड़ी की गलती दसो, गलती कि इन्होंने दरवाजा नहीं खोलिया, जे मेरी गलती मैंने दसा ना मेरे मुँह से मेरी गलती की ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ NRI ਆਫਿਸ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਅੱਜ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਜੇਟ ਨਹੀਂ? ਪੁਲਿਸ ਸਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
मेरे घर ने मतलब कि गुस्से कह के मैं कहता कि सहन कर दे, मैं दिमागी तौर पर मैं डिप्रैशन में थोड़ा मैं सहन कर दिता घरदे कहते मैं सर कुछ नहीं चाहिए, मैं इंसाफ चाहिए, मैं इतने ही वसना इतने जीना मरना। मैनू नहीं पता, जस्ट मैं सहन किए, मेरे घरदे पता सी भी वह की लिखा की नहीं, मैं जस्ट सहन किए क्योंकि मेरी कंडीशन इदा की नहीं कि मैं पढ़ के वह सहन कर सकता। मेरा मेन मुद्दा यही है कि मैं इतने वसना चाहनी, इन्हें मेरे लावा लिया, मैं कड़ा भज के विह करा लावा लिया ने, मैं चार दिन रखा तो मैं बाद मैं लैन नहीं कि जिंदगी मेरी बर्बाद करके सुटती इन्होंने। भरा मेरा छोटा जहा प्यो मेरा सिर तीन कर्जा चुके किता, मैं कितों दस कितने जावा, मैं की करा, मैं दसो तुम ये सारे एन आर आई जे निकल के कलू बार तो मैं कितने जाऊँगी, किसी पास जोगी नहीं मैं रही, मैं इंसाफ चाहिए, मैं इतने जीना मरना इतें ही है, मैं अज मैं जाना कितने नहीं, मैं इतें ही रहना वा। सर मैं बुढ़ी व्याई इतने तो लैन आई हाँ, लैके चल गई, मुड़के लैनी नहीं आए तो मुड़के इन्होंने कोई ना कोई लैना ही देना नहीं कोई भी, निके निके मेरे बच्चे कर्जा चुक के मैं किया सारा कुछ, पाँच दिन मेरे घर जाती रही रिश्ते, मैं रिश्ता करता इनू, ये बहुत साढ़े ना धक्का हो रहा वा, सानू कोई ना कोई समझ साड़ी मेरी कुड़ी इन्होंने घर वाणनी चाहिए है, मैं होर कुछ नहीं कर सकती, बस कुड़ी मेरी इतने चाहिए आ वाणनी। सर सानू तो थाने इनफॉर्मेशन मिली है भी इदा किसी घर आके दरवाजा भांदे आ, ये करके अं आए सू बारे कोई नॉलेज नहीं की गल हुई किधरों कंप्लेट किधरों गई सानू तो मुंशी ने मैंने दसिया जी, मैं ड्यूटी अफसर हाँ, मुंशी ने दसिया कि उ किसी का दरवाजा भाजन हो गया वा लेडीज का, तो ये पता लगे कि जिदा दस रहे कि कुड़ी की मैरिज हुई सी और चार दिन बाद कुड़ी ने छड़ दिता तो उस तो बाद लैनी सर अजे कोई नहीं, अजे तो मैं आगे खड़ा होया उन्होंने पूछा इन्होंने तुम अपने लगे हुए थे इन्हें बना रहे थे उस करके तो बाद पूछेंगे की गल हुई। अज तक अनेक दुखी भैन भरावां दे घरां नूं बसाउण वाले मनीष आचारिया, संपर्क करो 9969900755, पता फगवाड़ा पंजाब, तकदीर कदों बदलेगी, सच्चा प्यार मिलेगा जां नहीं, खोया प्यार वापस पाउणा, लव मैरिज सौदन दुश्मन तो